तेलंगाना में धूप और हैदराबाद डायरीज में अबू पलान स्कूल के प्राइमरी किड भाई क्या है सरप्राइजिंग आज आज मेरे कैरेक्टर का नाम है जोरो दवर भाई की सिक्योरिटी का रोल है कोई भी एंगल से सिक्योरिटी के तो नहीं दिख रहे ना हालांकि इनके तीन चार सिक्योरिटी कंपनियां जरूर दिख रहे देखो अरे यार की गोरी वीडियो में हो ना रियली हां रणबीर कपूर की को एक्ट्रेस जैनब दो तीन दिनों से खाली ये गाना गा रही हूँ केसरिया झालिया वालिया ऐसे गाने गा रही है झुमका गिरा रे ये झुमका गिरा किसी पे तो मर जाता मर जाता वाकई मर जाता वेपन्स वेपन्स निकाल के अभी मामू आने से पहले उतारना पड़ेगा सॉरी मैम प्रोटोकॉल ये घर के मालिक ये चैनल के मालिक ये कैमरे के मालिक ये माइक के मालिक पूरे मालिक यहीं से और क्या हुआ सुबह उठे जब से 6:30 को उठा जब से अब तक तीन बार सो गया हाँ और आज कई टाइम के बाद इतनी लंबी शूट है आज 10 पेजों की है ओवर टाइम देने वाले हो क्या तुम आज हमें गाइस पॉइंट की बात करते कि भाग जाता भाई आदमी कभी पॉइंट का काम बात ही नहीं करता भाई आज किसके साथ है शूट किसके साथ है जरा कुछ दियो परवीन तबक खुदाली अच्छे अच्छों की खबर 6 जख्मी 5 मर्डर फिर भी यार का इधर हैदराबाद डायरीज के सेट पे आने वाले इंशाल्लाह भाई की फरमाइश है कि बड़े भाई पोनी डाले और भाई पोनी डालते हुए इंग्लिश फिल्म के दिख रहे एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि सफी कुछ भी कहानी सुनाना है कुछ भी बात करना है ना इतने कॉन्फिडेंस से गलत नाम बोलता है अपन डाउट में आ जाना अपने को गलत मालूम क्या और हर चीज वो आदमियों का नाम हो सकता है कैरेक्टर्स का एरियाज का नाम हो सकता है गाड़ियों का कोसा भी भाई गाने फादर रोशन गाने कोसा भी लेकिन कॉन्फिडेंस में अदबी अपोजिट क्या की नाम होता है स्कूल में फर्स्ट बेंच पे बैठना मम्मी हल्लू अरे जोर से कर रहे जी मम्मी लगा रही पूरे रुखे हो गया वाला बैठा घुमा के आ रही है रोज नया होना मम्मी ये लट छोड़ी देखो मैं आ रहा है पापा ट्राई करो सर यार आगे नहीं, आगे ना सोते ले मोम आगे तो फाइनली चोटी डल चुकी है और फील हो रहा है चोटा ही यस और पलान दिख रहे हैं ऑस्कर दिगामा के लिए जाने के लिए तैयार है पलान एनएक फाइनल हो चुकी है पलान की पलान बॉडी अरे क्या बात है सर सलमान खान बॉडीगार्ड की है ना क्या गाइस इधर पार्क में आया था सलमान लेके आओ बोला था मैं शूट है बोले तो ले लेके आना वेरी गुड भाई शाहरुख ही बात कर सकता है सलमान से दूसरों के से तो बात नहीं करता है सलमान अच्छा तैयार हो रहे गाइस ऐसा दिख रहा सिक्योरिटी का कोई एंगल चलिए भाई चलिए मेन टेबल भेज गया दुल्हन इंतजार कर रही चलिए ओहो क्या क्या बात है वली वली में नौशा की एंट्री रहती नहीं देख रहे क्या सालिया वालिया बोल के पलान रेडी हो गए आ गए ये दूल्हे का सेहरा आज मेरे पे देखो आज मेरे पास माँ है पापा है और बच्चे तीन चीजें संभालना है साउंड व्लॉग यस Assalamualaikum. क्या बात है तबर भाई खून खराबे के खानदान से हूँ बोल के आ गए हैं क्या है बाबा ये लाइट खाली तैयारी कर रहा हूँ किस वजह से बना रहे हैं क्यों है तकलीफा मेहनत करना जाके सामान उठाना ऐसा पेट पालो और आपका सिक्योरिटी ये उठा क्या रोल चल रहा मेरा नहीं सकते। आप आने से पहले घर चेक करने के वास्ते आम है आपका सिक्योरिटी का ओह माय गॉड क्या शक्ल ये लोग यार ये सपने बहुत दिखाते हैं बिल्डअप आप देखे बिल्कुल मट्टी में डाल लेते देखो आप जैनब जी को बिल्डअप दे दे कि यहाँ लेके आए मगर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैनब जी को बिल्डअप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनको देख के लोग बिल्डअप मार रहे थे आई एम अ लॉन्ग टाइम सल्यूट यू नो लास्ट टाइम द सेम रिचर्ड हां हेलो हां मैं भी सीएम सब कुछ देखिए खत्म मामा कैरेक्टर में आ गए भैया ये तो भाई आते की दो दो फोन आ शुरू हो गए और नहीं सेम ही क्या बिल्ड बनाए ना सालों की मेहनत हो आज कैसे बना था आज का दिन आप आ रहे बोल के तो खाली अंडों पे खाली अंडों पे अंडों पे मुर्गी पे खाली अंडे और मुर्गी वाह माँ और बेटे दोनों को खा रहे हैं तेलंगाना में सीधे पूरे मुर्गिया के अंबर जा रहे थे भाई पूरे खा ले रहे दे दे कर रहे अच्छा जिस समय माशाल्लाह शुक्रिया शुक्रिया पानी के बोतल आप ही उठा कर रखे हो पूरे रेडिवेशन आना मुश्किल है सर आई एम सॉरी फेस
आपको ट्रांसफर मैं क्या जरूरत है सर अपन खाते भी थे घर के सीना सीना आ गया पूरा जी गर्मी में सूट में नहीं कर सकते कुछ का भयंकर गर्मी है सूट पहन लेंगे लंच जो खिलाए आप खा लेते भाई एक होटल वाले दूसरे उनसे पूछ रहे लंच क्या करेंगे तबर भाई भाई इतने दिनों के बाद आप हैदराबाद डेली के साथ मैं खुद घर से टिफिन लेके आया जी अक्सर हैदराबादी शूटिंग्स के लिए घर से टिफिन ला लेने का है जी तो मैं जवारी की रोटी टमाटर की चटनी कुबले हुआ अंडा ला लिया मैं खा लिया अच्छा जी आप क्या करें लंच में भाई खाली ओनली हाफ ग्रिल आप गुल्लू भाई मैं गुल्लू भाई वहाँ पूछो बिरयानी खाते क्या बिरयानी खाते Exactly same as each करते हैं Exactly same आप भी काम करें ब्लू भाई के साथ ऑलमोस्ट 20, 21, 22 मूवीज करें तो इतना काम करने के बाद इतना साथ रहने के बाद तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता उनकी तबीयत से हम वाकिफ हो जाते जी। तो अक्सर उन्होंने कभी भी कुछ खाना है बिरयानी या चिकन मटन कुछ भी सामने ला के रखते उन्होंने कट करना है समझो तो यहाँ हाथ डाल देते हैं अब कैसा की हो रहा बोलते सामने वाला बेचारा बर्दाश्त नहीं करके बोलता गुल्लू भाई ये दही चावल खा लो अभी भी पापा नहीं रहते हमारे सेट पे तो खाने का इतना वो होता देखिए हाँ जी वैसे तो मैं आता नहीं मगर फिर भी ये आता है जरूरत नहीं वैसे तो मैं ये छोटे मोटे चीजें करता नहीं मगर गुल्लू भाई साजिद भाई जो है वो मेरे पुराने दोस्त हैं शाहरुख वो हमारा बच्चा है इसलिए मैं बोला अल्ताफ हैदर कभी भी रेडी आपके लिए मगर पहले बाजरा दे दो अरे खत्म वही रेगुलर मटन बिरयानी एक्शन मूव बैक स्टे 2 feet अवे दिल मांगता है दिल गाइस ये लड़की को भूख लगती है नींद आती है जमाए आते हैं अंगड़ाए आते सर वो मंगला नहीं मंगलहाट वो हैदराबाद छोड़ना ही नहीं चाहती है कराना चौथी आबेदा अरे जोरो सर आबेदा कहाँ है वो मंगल अरे अरे जोरो आबेदा कहाँ है मंगलान में सर अरे जोरो सर आबेदा कहाँ है मंगलान में सर उन्हों मंगल हाट में है मंगलहाट में जा नहीं सकता वहाँ हेलीपैड में केबल वायर समथिंग हार्ट यू नो आटोस बहुत अच्छा पंच है वो हेलीपैड नहीं उधर यही छे तो लेके आ जाना था बच्चा एक्चुअली तैयार नहीं एक आदमी खुलकर बोल तक रह सकता है कि चोट बोल ट्विनिंग नहीं है क्या कलर है गाइस एक आदमी को हक तक नहीं है कि वो बोले कि वो लाइट ब्लू गाइस ये क्या कलर है बोलो ये ब्लू है बट
ये ब्लू और ये ब्लू. ऑफ कोर्स नॉट, मैं थोड़ी ना बोली एग्जैक्ट सेम कलर. तो ससुरा तुम बोल कैसे सकते हो, ट्विनिंग है बोल के, कौन सा कॉलेज से पढ़ा हो तुम? मैंने बोली भाई इसकी कॉलेज का रियूनियन है, मैं जा रही हूँ. वाह बोली तो बोला. सफी पूछा कौन सा कॉलेज है, तो बिल्ला बोलते हम दोनों एक साथ बोले अरे जाएंगे ना रियूनियन को. तो काश मेरे पास उतना टाइम होता जब कोई कॉल करे मैं तेरे जैसा काश मेरे पास उतना टाइम होता जब कोई कॉल करे और मैं फ़ोन उठाए यार वो शिट. काश मेरे पास उतना टाइम होता जब जो कोई काश मेरे पास उतना टाइम होता जब कोई फ़ोन करे और मैं मुंह उठा के काश मेरे पास उतना टाइम होता जब कोई फ़ोन करे और मैं मुंह पे जा रहा कितने बार टेक हो गया. काश मेरे पास उतना टाइम होता जब कोई फ़ोन करे मैं तेरे जैसा मुँह लट टेक शुट कितना कितने टेक आओगे. काश मेरे पास उतना टाइम होता जब जो को अरे इसकी तो क्या हो रहा है अकबर. देख होता कभी कभी सब. अब देखो खत्म फायदा खत्म. काश मेरे पास उतना टाइम होता एक मिनट. काश मेरे पास उतना टाइम होता जब कोई मेरे को फोन करे और मैं मुंह लटका के तेरे सामने. काश मेरे पास उतना टाइम होता. मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मेरे को जो फोन करे और मैं तेरे जैसा मुंह उठा के हर जगह चले आऊं. मेरे पास टाइम नहीं है. काश मेरे पास तेरा उतना टाइम होता. अरे मेरे पास काश मेरे पास उतना टाइम होता. अरे मैं बहुत बिजी हूँ. काश मेरा इतना टाइम रहता. काश मेरे पास तुम मजा लगा हुई आगे वीडियो शुरू कर दो. अब मैं अलग अंदाज से बोलूँ. फोन कर. काश मेरे पास उतना टाइम होता कि मैं जो फोन करे मैं तेरे जैसा. अरे मैं दोबारा आ गया. काश मेरे पास उतना टाइम होता कि मैं तेरे जैसा अगर फ्री रहता तो जो को. अरे यार आ गया आ गया. काश मेरे पास उतना. ओ ये ऐसा निकाल ले तेरे. तुम ऐसा बोलो शाहरुख. नहीं नहीं फोन करे जब आ जाओ आप. फोन करे जब आ जाओ. काश मेरे पास. शाह मेरे पास टाइम कितनी लग जाता है. शाह मेरे पास. ओके रेडी. ठीक ठीक. शाह मेरे पास टाइम की लग्जरी नहीं है. अल्लाह हाफिज. अगर कोई फोन करे सर के बारे में पूछने के लिए तो मासूम. कोई मासूम नहीं है जी. क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं. वाह. लाखों है मगर. लाखों है मगर तुम सा यहां कौन हंसी है. तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है. वाह. यहाँ से पूरा हनी सिंह तक आ जाए. इसी के साथ सवानों को होता है पैकअप. वही देख रहा था तुम लोग एक्सप्रेशन देख रहा था. दबर भाई अल्लाह हाफिज. बहुत जबरदस्त बजा आपके साथ काम करके. अरे भाई शुक्रिया बहुत बहुत मिलेंगे. दावत में जाना था इवेंट था एक फिर भी टाइम निकाल के आया. 9:15 हो रहे आखिरी लंबी शूट चली. अगर आप ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी सब्सक्राइब करो. हैदराबाद डायरीज व्लॉग्स पे मौत व्लॉग्स आ रहे देख रहे ना आप लोग. चलो भाई निकलेंगे. क्या लिख रहे आप? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए. जो रात आई तो सितारे बन गए.